Hi, welcome back to my channel. My name is Pooja and my channel name is Glam You. Hope आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. दिल्ली में पिछले तीन दिनों से वेदर जो है वो है ऑसम. बहुत ही बढ़िया वेदर हो रखा है. कल रात को 11 बजे से लेके जो 11 बजे बारिश स्टार्ट हुई थी, वो बारिश आज मॉर्निंग में भी, जब मैं कितने बजे, मैं 7 o'clock आज उठी थी, तो 7 o'clock के आसपास भी वो बारिश हो रही थी. और ऐसा नहीं कि बारिश थोड़ी हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी. बारिश देख के ना बस एक अलग सी खुशी मिलती है, यू नो, लाइक बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है बारिश को देख के. वो भी तब जब इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही थी, तो उसमें अगर बारिश मिल जाए तो फिर बात ही क्या है. सो अभी घर का तो सारा काम मेरा हो चुका, ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है. तो अब क्योंकि 4 बज रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि शाम के खाने की तैयारी कर दूँ. तो उसके लिए मैंने आलू जो है उसे बॉईल कर लिया है. आलू बॉईल करके मैंने उसका जो एक्सेस वाटर है वो निकालने के लिए वो जो छन्नी होती है उसके अंदर मैंने रख दिया है. तो वो निकल जाएगा. तो उसके बाद मैं आलू का पराठा सोच रही हूँ कि आज आलू का पराठा बना लूँ. और दही मैंने रात को जमा दी थी, तो आलू का पराठा रहेगा, दही रहेगी और थोड़ी सी चटनी. तो क्योंकि चटनी के बिना ना पराठा खाने में वो मज़ा नहीं है जो मज़ा चटनी के साथ है, तो इसीलिए. बाकी मैंने ना अभी कुछ चीज़ें ऑर्डर करी हैं, मे बी वो कल आ जाएंगी. तो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू कि क्या क्या चीज़ें हैं और आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए नहीं, अभी नहीं बता रही हूँ. कल या परसों की वीडियो में, क्योंकि वो मुझे कल रिसीव हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली परसों का जो वीडियो है उसके अंदर वो आने वाला है. कल का जो वीडियो था, परसों एक वीडियो अपलोड किया था मैंने फेशियल हेयर को लेके, तो उस पर आप सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे. और तो आप उसको ना अगर आप ट्राई करते भी हो, तो आप उसे जब ट्राई करोगे तो आपको श्योरली आपको ना बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वाकई में ये जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. अभी तक वो वीडियो चेकआउट नहीं करी तो जाओ और जाके चेकआउट कर लो. अभी हूँ मैं यहाँ पे. एक्चुअली मैंने कल कपड़े भी धोए थे, शाम को कपड़े धोए थे. तो कपड़े धोने के बाद सारे कपड़े जो हैं वो मैंने रख दिए थे, एज इट इज़ रख दिए थे. क्योंकि ना शाम को 6:30 बजे के आसपास ही मैंने कपड़े धोए थे. तो 6:30 बजे मैंने कपड़े धोए, तो उसके बाद उसे सूखने के लिए रख दिया. तो क्योंकि अभी परसों से बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, ठीक ठाक थी, तो कपड़े सूखने में थोड़ा सा टाइम लगा. तो रात को 11 बजे जब बारिश आई है ना, तब मैंने कपड़े हटाए और सारे कपड़े उठाए, और उठा के मैंने अपने अंदर वाले रूम में, लाइक इस वाला बेडरूम जो है इसमें आके रख दिए थे. तो अभी मैंने इनको तय करके रखा हुआ है, तो ये मुझे सारा का सारा सेट करना है. और वो जो वहाँ पे बॉल है और वो जो वहाँ पे आयरन है, ये सारा का सारा आपको पता है कि किसने फैलाया होगा, क्योंकि मेरे घर में एक ही बच्चा है जो सारा सामान पूरे दिन समेटने में लगा रहता है. लेकिन वो चाहता समेटना है, लेकिन गलती से उससे फैल जाता है. अर्थात जब सामान छेड़ रहा होगा ना, उस टाइम पे जब आप अथर्व के एक्सप्रेशंस देखोगे ना, तब को लगेगा कितना सीरियस होके काम कर रहा है ये बच्चा, कितना सीरियस होके मतलब सारी चीज़ों को कर रहा है. लेकिन एक्चुअल अथर्व को शायद ऐसा लगता है कि वो सारा सामान को समेट रहा है और ढंग से रख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा होता है. अथर्व सारे सामान को इधर उधर फैला रहा होता है और बहुत ज़्यादा गंदगी कर देता है. अभी वो करके आ रहा था, ये जो यहाँ आयरन रखा है ना, और यहाँ पे ये जो टैटू है, ये जो साइकिल है ना, ये जो साइकिल है, तो इस साइकिल के ऊपर ना उसको बिल्कुल आयरन को इस तरीके से घिस रहा था, मतलब रगड़ रहा था. तो जो साइकिल का जो ब्राउन कलर है वो थोड़ा सा नीचे के साइड को भी फ्लंट हो गया है. तो ये सारा जो है ये तो मैं करूँगी बाद में, लेकिन इससे पहले मुझे करना है किचन में थोड़ा सा काम, क्योंकि नहीं तो अथर्व उठ जाएगा. तो यू नो ना कि फिर उसके बाद होगा क्या. आज की जो मेरी ड्रेस है वो मैंने पहना है ये, और ये बहुत ही, मुझे तो इसका जो प्रिंट है ना वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा प्रिंट लगता है मेरे को ये वाला. और इसका जो स्लीव है वो भी इतनी है इसकी स्लीव, जो कि बहुत ही अच्छी दिखाई देती है. ये देखिए, तो मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है. थोड़ा सा फिटिंग कराने की ज़रूरत है, थोड़ी सी लूज़ हो गई है तो उसको फिटिंग कराना है. लेकिन उससे पहले ही हम चलते हैं किचन की ओर, और हमें बनाना है थोड़ा सा खाना. अथर्व यहाँ पे सो रहा है नीचे. अंधेरा ना, अंधेरा करके इसलिए रखना पड़ता है, बिकॉज जब अथर्व सोता है ना, उस टाइम पे अगर रोशनी हो तो अथर्व फिर जहाँ पे वो आधा घंटा सोएगा ना, वहाँ पे वो बिल्कुल एक घंटे के अंदर ही उठ जाता है एकदम से. आधा घंटा सोएगा नहीं, जहाँ उसको एक घंटा सोना है ना, वहाँ वो आधे घंटे के अंदर ही उठ जाता है. और फिर जो काम है वो सारा का सारा फैला रह जाता है और कोई भी काम हो नहीं पाता है, यही होता है. अभी मैंने ना आलू ये रखे हुए हैं यहाँ पे, ये वाले आलू मैंने बॉईल करके यहाँ रखे हैं, मुझे इसको छीलने हैं.
और यहाँ पे किचन भी मेरा थोड़ा सा मेस पड़ा है। मैं मॉर्निंग से ही नहा ही नहीं पाई थी, तब से सोच रही हूँ कि नहाना है, नहा ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि अथर्व को छोड़ के मैं अवॉइड करती हूँ बाथरूम वगैरह में भी जाना। जब वो सोता है या सेटल हो जाता है तभी मैं जाती हूँ, क्योंकि ना होता है ना, आप जानते हो यार कि मतलब बच्चों का क्या है ना, अभी एक मिनट में यहाँ पे, एक मिनट में कहाँ पे होगा, आप कुछ कह नहीं सकते हो। और आजकल उसने क्या किया, आजकल वो ना बालकनी में चढ़ना भी सीख गया है, तो बालकनी की जो रेलिंग है उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहता है, तो हमेशा मुझे बालकनी वाला गेट भी है उसको बंद करके रखना पड़ता है। तो वही है, तो चलो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और तैयारी कर लेते हैं खाने की। तो एक बार जब खाना वाना बन जाएगा तो उसके बाद जान में जान आएगी, फिर मिलती हूँ। बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए, और ये जो इतना बड़ा दिल होता है ना, ये हम ही लोगों के पास होता है। तो ये जो इतना बड़ा दिल होता है ना, ये हम फीमेल्स के पास ही होता है और किसी के पास होता भी नहीं है। बेशक बाहर धूप नहीं है माना, लेकिन गर्मी तो है ना, स्वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। अब मैंने जो आलू अभी फ्राई करे थे ना, उस आलू को मैंने निकाल लिया है, अब मैं उसको निकाल रही हूँ, एक प्लेट में निकाल रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई तो ऑलरेडी यू नो लाइक गर्म हो चुकी है, उसी के अंदर अगर मैं निकालूंगी तो ये आलू जो है वो ठंडा होने में काफ़ी टाइम लेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आलू मैंने बहुत ज़्यादा उबाल लिए हैं, इतने आलू का कोई काम नहीं है, लेकिन कोई नहीं, इससे मैं बना लूँगी अब कल मॉर्निंग में टोस्ट, पराठा बन जाएगा आज, जो बचेगा उसे टोस्ट बना दूंगी। अब ये आलू, तो ये जो आलू है इसमें से धुआं दिखाई दे रहा होगा, धुआं निकल रहा है, तो इसको मैं रख देती हूँ अभी साइड में, ये ठंडा हो जाएगा, जब तक ये ठंडा होगा तब तक मुझे गूंदना है, आटा गूंद लेती हूँ। आटा, जब भी हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, तो उसके लिए आटा, अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो पराठा है वो इधर उधर उसमें से आलू ना निकले, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये है कि आप ना जो पराठे का जो आटा गूंदते हो उसको थोड़ा सा गीला गूंदो। जब मैं पहले बनाती थी ना पराठा, तो मेरे पराठे में से भी ना आलू इधर उधर बहता था, प्लस जो पराठा है वो कहीं से बनता था मोटा, कहीं से बनता था पतला, और मेरा आलू का पराठा आज तक कभी ना, अभी नहीं मतलब शादी से पहले की बात बता रही हूँ, तब तक भी कभी गोल नहीं हुआ था, बिल्कुल ना ऐसा बनता था कि भगवान मालिक है वो कौन से देश का नक्शा बनता था, और प्लस कहीं पर आलू है कहीं नहीं है, इस तरीके से बनता था। बट मम्मी ने मुझे बताया था कि जब भी हम किसी भी, मतलब नॉट फॉर ओनली आलू का पराठा, हम किसी भी पराठे के लिए जब भी आटा गूंदते हैं, तो उस टाइम पे हमें जो आटा है उसको थोड़ा सा लूज गूंदना चाहिए, तो उससे क्या होता है, जो पराठा आप जब बनाओगे ना, तो आपका जो आलू है या जो भी स्टफिंग आप उसके अंदर डाल रहे हो, वो पर्टिकुलर स्टफिंग बाहर की तरफ बहेगी नहीं। और ये मैंने ट्राई भी किया और ऐसा ही होता है, अगर आप पराठा बनाते हो तो उसमें अगर आप स्टफिंग डाल रहे हो ना, आटा थोड़ा भी, आटा हल्का सा गीला गूंदोगे तो जो आपकी स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी। तो चलो, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की हालत में हूँ नहीं, बिकॉज अथर उठ जाएगा, तो पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ और उसके बाद। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे आटा और अब मैं इसको गूंद रही हूँ। आपको पता है मतलब ना, जब भी किसी भी लड़की की, सिर्फ मेरी नहीं, जब भी किसी भी लड़की की जब शादी नहीं होती है ना, तब तक बस वो आप ही का घर होता है जहाँ पे आप कितने भी नखरे दिखा सकते हो, उसके बाद ससुराल में कोई आपके इतने नखरे ना सहता नहीं है। क्योंकि घर में ना, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो उस टाइम पे मैंने अपने घर में कभी आटा नहीं गूंदा, कभी भी नहीं गूंदा, मतलब सारा काम कर देती थी, सब्जी दाल चावल सब कुछ बना दूंगी, पर आटा नहीं गूंदूंगी। आटा इसलिए नहीं गूंदूंगी क्योंकि आटा गूंदने से ना हाथ गंदे हो जाते हैं,
फिर उसके बाद भी बहुत सारा काम कर देती थी, लेकिन गर्मी के टाइम पे कभी बर्तन नहीं धोती थी, क्योंकि बर्तन धोने से ना जैसे ही मैं गंदे पानी में हाथ डालती थी ना, बर्तन वाला जो पानी वहाँ पे सिंक में इकट्ठा हो जाता थोड़ा बहुत भी गंदा, जैसे ही मैंने उसके अंदर हाथ डाला मेरी पूरी बॉडी में इतनी गंदी इचिंग होती थी, मैं बहुत परेशान हो जाती थी। और प्लस वहाँ पे ये भी होता था कि मम्मी गूंदने भी नहीं देती थी, मम्मी मना कर देती थी कि ठीक है नहीं अच्छा लगता है गूंदना तो कोई नहीं छोड़ दो, और अगर बर्तन धोने से ईचिंग होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है छोड़ दो। तो मम्मी हमेशा ऑलमोस्ट काम कर देती थी, लेकिन बर्तन धोना वगैरह जो है वो मम्मी करती थी, तो वो मम्मी कर लेती थी, मैं करती नहीं थी उस टाइम पे। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो उसके बाद ना ये सब चीज़ें ना रखी रह जाती है। जब हम अपनी मम्मी के घर होते हैं तब हम समझ नहीं पाते कि हमें कौन कौन से ऐशो आराम मिल रहे हैं वहाँ पे, जब हम वहाँ से चले जाते हैं तो हमें समझ आता है कि हमें वहाँ पे कितने ऐशो आराम मिलते थे। तो वही है, बाद में अपने से जिन लोगों की शादी नहीं हुई है ना वो लोग अभी समझ लो कि आपको अपनी मम्मी के घर में बहुत ज़्यादा ऐशो आराम मिल रहा है जो आपको ससुराल जाके नहीं मिलेगा। कुछ वो लकी लोग होते हैं जिन्हें मिलता है, लेकिन लकी लोग भी क्या मतलब वही वाली चीज़ है कि अगर मिलता कुछ भी है मतलब मुझे ऐसा लगता है आप जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस वूमेन हो या कुछ भी हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ ना आपको हमेशा अपना जो घर है और जो काम होता है, देखो आटा इतना बोल रही थी इतना गीला गूंदना चाहिए, जैसे ये देख ऐसे बिल्कुल ना टाइट नहीं गूंदना चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सा छोड़ दूंगी, थोड़ा सा पानी लगा के छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, फिर मैं इस आटे को 5 मिनट बाद दोबारा गूंदूंगी, तो उससे होगा क्या कि जो आटा है ना वो बहुत ही सॉफ्ट गूंदेगा, आपको इतना ज़्यादा इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है गूंद गूंद के। तो इसको मैं फिलहाल रख दूंगी ढक के और मैं इसको गूंदूंगी 5 मिनट बाद, जब तक मेरे किचन में ये नहीं दिख रहे, ये देखो ये बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं, इन बर्तनों को मैं धो लेती हूँ, तब तक धो लेती हूँ। तो मैं ये बोल रही थी कि जब तक आप घर में होते हो ना मतलब अपनी मम्मी के घर में, तब तक आपको ऐशो आराम मिलता है, उसके बाद आपको कोई ऐशो आराम नहीं मिलता। प्लस अगर आप चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एट दी एंड ना आपको घर का काम करना ही पड़ता है, जितनी भी वुमेंस हैं उन्हें करना पड़ता है। मेल की लाइफ में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ आजकल ये हो गया है कि जो मेल्स होते हैं वो भी बहुत समझते हैं अपनी वाइफ को, यू नो लाइक चीज़ों में हेल्प करते हैं, ऑफिस से भी अगर आते हैं तो दोनों मिलके साथ में काम कर लेते हैं, तो यू नो लाइक लाइफ को मैनेज करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सेम चीज़ें मेरे साथ भी होता है, मेरे हस्बैंड भी जब ऑफिस से आते हैं तो वो मेरी बहुत हद तक हेल्प करा देते हैं, हालांकि खाना वाना जो है वो मैं तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं उनके आने से पहले बना दूँ, ताकि जब वो ऑफिस से आए तो उसके बाद हमें थोड़ा बहुत टाइम एटलीस्ट साथ में मिले, क्योंकि होता क्या ना अभी जैसे वो मॉर्निंग में 8 o'clock के आसपास निकल जाते हैं, 7:50 या 8 o'clock वो निकल जाते हैं, रात को जब वो आते हैं तभी भी 8:15 हो रहे होते हैं, तो उसके बाद इतना ज़्यादा टाइम मिलता भी नहीं है। कितना टाइम रहता है, हार्डली 2 घंटे 2.5 घंटे 11:30-11 बजे सोना होता है, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे दोबारा से ऑफिस जाना है उन्होंने। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा काम है वो सारा का सारा काम बिल्कुल सेटल रहे, ताकि जब वो आए तो हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाएँ साथ में, और इवन यू नो लाइक जो भी थोड़ा बहुत भी अगर काम रहता है तो ऐसा नहीं है कि वो मेरी हेल्प नहीं कराते हैं, वो मेरी हेल्प कराते हैं। जैसे हम रूम में गए तो बिस्तर वगैरह थोड़ा सा सेट कर दिया, अथर को संभाल लिया, तो इन सब चीज़ों में वो मेरी बहुत हेल्प कराते हैं। और आजकल जितने भी मैं सर वो सब कराते हैं, वो पहले का टाइम था जब ये सब चीज़ें नहीं होती थी कि बस ऐसा था कि अगर कोई वुमेन है तो वो डेडिकेट है कि वो पूरा का पूरा घर का काम करेगी, क्योंकि उस टाइम पे ना ऐसा भी नहीं है कि उस टाइम पे जो वुमेन्स होती हैं वो बाहर का काम नहीं करती थी, सिर्फ घर था कि घर का काम काज और ये सारा चीज़ें संभालना है, तो वही वाली चीज़ है। तो इसलिए उस टाइम पे वुमेन्स करती थी घर का काम और मेंस करते थे बाहर का काम, लेकिन वो घर आके हाथ नहीं बटाते थे। लेकिन अब तो इक्वालिटी वाली बात हो गई है, तो ऑलमोस्ट हर कोई सारे काम कर ही लेता है। बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट दिया आज मैंने, अब मैं अपने थोड़े से काम निपटा लेती हूँ। आलू का पराठा जो था वो बन गया है। बना क्या है एक्चुअली, मैंने ना उसे कच्चा आधा कच्चा पक्का होता है ना वैसे बना के रख दिया है, तो जब ये आएंगे तो उस टाइम पे बस मेरे को उसे सेकना रहेगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं पराठा बनाने में, सो दैट अथर भी उतना ज़्यादा परेशान करेगा नहीं। तो अभी बज गए हैं शाम के 7 और ये निकल चुके हैं, आने वाले होंगे।
अथर्व मेरे बिल्कुल सामने है और हंस रहा है अथर्व वहां पे खड़े होके। अथर्व यहाँ पे ना मंदिर को बजाया जा रहा है। ये डुगु प्लीज नहीं करो, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो। बच्चे अथर्व जैसे होना तो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। यहाँ पे ना जब अभी मैंने ये वाला कर्टन एक बार वॉश कर दिया था, उसके बाद से पता नहीं है कैसा खराब सा हो गया है, इसमें इतनी सारी गांठें पड़ गई हैं जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसको भी मुझे ना एक बार सुलझाना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मेरे को इस गांठों को भी सुलझाना है। और अथर्व को देखो, हाय बोल दो, हाय बोल दो, हाय बोल दो, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, चलो चलो घूमने चलते हैं, चलो चलो हम जा रहे हैं घूमने के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए बताओ डुगू, हम कहाँ जा रहे हैं घूमने, कहाँ जा रहे हैं? और बारिश हो रही थी तो फिर मैंने टाल को जो भी यहाँ पे टांग दिया। डुगू हाय बोल दो, हाय बोल दो, बोल दो हाय। नहीं अब फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किस दे दो। अच्छा ये बता दो ऊपर पंखा कैसे चलता है? ऊपर पंखा चलता है, नीचे डुगू सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, मामा गए दिल्ली, वहां चलाए बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, डुगू हो गया गंजा। अच्छा बाय बोलो, बाय बोलो, बोलो टाटा, और ऐसे बोलो श्श, डुगू को माजी सतक गई। तो अभी जस्ट मैंने यहाँ पे जो कपड़े तय करे थे वो सारे के सारे कपड़े मैंने लगा दिए हैं अलमीरा के अंदर। हाथ में फोन पकड़ना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, हाथ में दर्द होने लग जाता है। तो अभी घर का जो सारा काम है वो हो गया है। और अभी मैं एक्चुअली ना साईं चालीसा सुन रही थी। साईं चालीसा बहुत अच्छी है, मतलब काइंड ऑफ वो साईं बाबा की पूरी जीवनी है और वो बहुत अच्छी है। आप सुनोगे ना आप इतना हार्टेड फील करोगे, आपको इतना अच्छा लगेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब जिन लोगों का भी साईं बाबा में बिलीव है वो सब इस चीज़ को रिलेट कर सकता है और लगता होगा कि हाँ, मतलब उनका कोई भी सॉन्ग सुन के आपको कितना अच्छा लगता है और कितना मतलब रिलीफ फील होता है। ऐसा अक्सर होता है ना कि हम जिन भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो मेरे साथ हमेशा होता है कि जब भी मैं साईं बाबा के मंदिर जाती हूँ या मैं साईं बाबा का कोई भी सॉन्ग सुनती हूँ, तो पता नहीं क्यों अपने आप ही ना ऐसे गूज बम्स आ जाते हैं और बिल्कुल आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। बहुत बार होता है, और साईं बाबा के मंदिर में तो मेरे साथ हमेशा होता है। मुझे नहीं पता क्यों होता है, लेकिन मतलब जो लोग साईं भक्त हैं वो लोग जानते होंगे कि ऐसा क्यों होता है, और ये ऑलमोस्ट सब लोगों के साथ ही होता है। तो चलो इस ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड, और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को कर जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन थैंक यू, बाय।